अपनी विभिन्न मांगों के लिए संघर्ष कर रहे वन विभाग मजदूर यूनियन का धरना छठे दिन भी जारी रहा। विभाग में नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसे गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगाते हुए वन विभाग मजदूर यूनियन ने सोमवार को डीएफओ का पुतला फूंक कर अपनी मांगों की अनदेखी का विरोध किया और वन मंडल अधिकारी के तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा। डीएफओ साहब का हमारी मांग रेगुलराइजेशन की है, सरकार ने पत्र जारी कर चुके हैं और इसके अलावा 66 आदमी रेगुलर के केस जीत चुके हैं हाई कोर्ट से, उसमें से 12 को ज्वाइन करवा दिया है और बाकी को ज्वाइन नहीं कर गए हैं। और अन्य मांगे भी हैं जैसे कि न्यूनतम वेतन है और वरिष्ठता सूची है बिलों पर जो कार्य करते हैं उनके बारे में बार बार संपर्क करते हैं तो अधिकारी आनाकानी कर जाता है, दो दिन से वो आनाकानी कर जाता है, उसके बाद